सचिन हीरो हैं, मेरी जिंदगी के हीरो हैं। एक तरफ सचिन की, दूसरी तरफ सीमा की, क्या गुण और ग्रह कॉमन है? प्यार भी मिल रहा है, एक तरफ लोग आपको घुस पैठिया बोल रहे हैं, कई तरह। इन्होंने अपने भाई के फौज में होने की बात को छुपाया। वो तैयारी कर रहे थे सर, कोई भी झूठ मतलब नहीं कहना चाहती, ताकि जो है मैंने पुलिस से भी शुरू से लेकर सच्ची कहा है। क्या कारण था कि सीमा जी ने नेपाल में रहते हुए हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया? तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीजा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। दो मोबाइल फोन का तोड़ना, दो चार सिम का तोड़ देना, ये स्पष्ट दिखाता है कि आप IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को छुपाना चाहती थी। लेकिन ISI ने आपको ये नहीं बताया, या जो भी आपके आका थे उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि फोन तोड़ने से आपका हार्डवेयर तो टूट जाएगा, सॉफ्टवेयर और बाकी चीजें सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त किए जा सकते हैं। ISI का इन्वॉल्वमेंट है सीमा हैदर केस में पूरी तरीके से, क्योंकि इतना सहज नहीं होता है किसी एक पांचवी पास महिला को, इतने जल्दी थोड़ी क्या जाएगा। पहले तो जब आप आई हैं यहाँ पे, पहले उसकी तह तक जाना होगा कि आपने यहाँ पर आई क्यों, और जब इलीगली आप आई हैं पहले तो उसका प्रसाद मिले आपको। यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। नमस्कार, मेरा नाम है नैंसी वाजपेयी और आप देख रहे हैं ABP लाइव। एक नाम है जो पिछले कुछ वक्त से भारत की टीवी इंडस्ट्री में हेडलाइंस बना हुआ है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी ये जो नाम है ये बार बार गूंज रहा है, और उस नाम, वो नाम है सीमा हैदर का। जी हाँ, वही सीमा हैदर जिनके बारे में अलग अलग टिप्पणी की जा रही है, कोई उन्हें बोल रहा है कि वो प्रेमिका है, तो कोई उनको जासूस का नाम दे रहा है, कोई उनकी लव स्टोरी सचिन के साथ, उनकी जो लव स्टोरी है उसको गदर 2 का नाम दे रहा है। लेकिन इस केस में सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में कई सारे और एंगल्स भी निकल के आए हैं। ये एंगल्स सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो आज हम इस मैटर पे बात करेंगे, ना कि सीमा हैदर की लव स्टोरी को, जिसको एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा भी बना दिया गया है। तो हमारे साथ पूर्व DGP डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत ABP लाइव पर। Thank you. तो सर, आपने भी इनका नाम सुना होगा, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि सीमा हैदर और सचिन की जो लव स्टोरी है, वो उसको आप लव स्टोरी की नजर से देखते हैं कि कहीं ये कोई हनी ट्रैप का मसला तो नहीं? देखिए, आप सब जितने युवा एंकर्स और युवा दर्शक हैं, मैंने दुनिया आप लोगों से ज्यादा देखी है। इशरत जहां का जब किस्सा हुआ था गुजरात में, तब भी का, ये बिहार की बेटी है। इससे पहले कि आप किसी को भाभी जान, बेटी और बहू मानने लगे, आप देख लें इनकी यहाँ आने के कारण क्या थे। प्रेम संबंध होता है बराबरी से, कुछ होना चाहिए। आप दोनों की फोटो लगा लीजिए, मैं कोई क्रूर बातें, असंयत बातें करने का आदी नहीं हूं। एक तरफ सचिन की, दूसरी तरफ सीमा की, क्या गुण और ग्रह कॉमन है? दूसरी तरफ सीमा का दिखाई ये पड़ता है, कहती मैं तो पांचवी तक पढ़ी हूं, लेकिन अगर उनकी भाव भंगिमा, आत्मविश्वास, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान देख लें, तो नोएडा की जो टॉप 50 एंकर्स हैं, और सीमा को भी शामिल करने, कोई कह नहीं सकता कि सीमा जी भी एक बहुत उत्कृष्ट एंकर नहीं है। ये उनकी जानकारी का और आत्मविश्वास का स्तर है। पांचवी पढ़ी है, लेकिन 5 पासपोर्ट बनवा लिए, जमीन बेच दी, ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाए और सिंध पाकिस्तान से दुबई चली गई, दुबई से आ गई नेपाल, और नेपाल से आ गई एन केन प्रकारेण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अत्यंत संवेदनशील स्थान पे, रघुपुरा में। रघुपुरा जेवर एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ है, जहां पर 15,000 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक एयरपोर्ट बन रहा है। वहां का रहने वाला पूरी तरीके से भिज्ञ होगा, कौन सी फ्लाइट आ रही है, कितनी जा रही है, और पूरी जानकारी होगी। इस स्थान पर तमाम विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन रहता है, चाहे माननीय योगी जी हो, माननीय मोदी जी हो, और इस तरीके से संवेदनशीलता के बढ़ते चले जाते आयाम है। ये प्रेम संबंध बेमेल की हमें खिचड़ी लग रही है, इस पे कोई तालमेल मेल का है ही नहीं। सचिन का मुंह नहीं खुलता, कहीं कोई IAS का प्लान तो नहीं? आपको क्या लगता है सर? मैं 2 सेंटेंसेस और बताऊंगा आपको। ये पूरी तरीके से इन्होंने आपने को जितनी बातें बताई हैं, कुछ बातें छुपाई हैं, जिसको कहते हैं मटेरियल कंसीलमेंट। इन्होंने अपने भाई के फौज में होने की बात को छुपाया।
अपने भाई की नियुक्ति आज तक नहीं बताई कहां पर पोस्टेड है, इनका भाई कहां तैनात है ये भी नहीं बताया, ये मटेरियल कंसीलमेंट है। भाई, सगा भाई फौज में है, क्यों छुपाया आपने? आपने वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया और आपने कहा कि नेपाली दोस्तों के जरिए उनका हॉटस्पॉट इस्तेमाल किया। आप एक प्रयोग कर ले अपने स्टूडियो में, कुछ लोगों से पूछें जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और बहुत ही टेक सेवी हैं, कि हॉटस्पॉट क्या होता है और इसके लाभ और हानि क्या होते हैं। आपको संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। क्या कारण था कि सीमा जी ने नेपाल में रहते हुए हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया, जबकि वो रेगुलर फोन भी कर सकती थी, पीसीओ जा सकती थी, सिम ले सकती थी नेपाल का, लेकिन वो न लेकर के इन्होंने वीओआईपी का इस्तेमाल किया। ये तमाम चीजें बताती हैं और झूठ दर झूठ कई आधार कार्ड, कई पासपोर्ट और तमाम अभिलेखों में, और जो शपथ पत्र उनके विवाह का है उसमें डेट ऑफ बर्थ को लेकर के जो गलत तथ्य प्रकाश में आए हैं, उससे ये स्पष्ट होता है नैंसी जी ये झूठ बोलने में अभ्यस्त हैं और टेक्नोलॉजी की मास्टर है। भारत आना चार बच्चों के साथ, और वो भी इन परिस्थितियों में अत्यंत संवेदनशील स्थान पर, जहां पर अधिकांश बच्चे और बच्चियां या तो पैरामिलिट्री में है या पुलिस में है या फौज में है, मुझे ये पूरी तरीके से संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है ये किसकी प्लानिंग है, किस प्लानिंग के तहत आए? जैसे कि बताया उसने, बोला कि सीमा हैदर ने बोला कि वो पांचवी पास है, लेकिन पांचवी पास होने के साथ साथ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर हमें किसी एक जिले से अननोन जिले में भी जाना होता है तो हमको कई सारी जानकारियां जुटानी पड़ती है, कोई मदद करता है, कोई रिश्तेदार दोस्त बताता है कि ऐसे ऐसे फलाना ऐसे ऐसे जाओ। वो कह रही है कि मैं खुद से चली आई हूँ और वो भी दो देशों की सीमाएं पार कर ली, नोएडा तक आ गई, इतनी सारी नोएडा के जिले पार करते हुए। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में एक तो भारत की तरफ से क्या क्या गलतियां हुई सिक्योरिटी के लिहाज से, और दूसरा कि सीमा हैदर को लेकर आप क्या कहेंगे, कि मतलब आपको लगता है कि किसी ने मदद की है उसको वहां से यहां तक पहुंचाने में? आपने बड़े बाकूट सवाल किए हैं, जैसे सवाल आज तक किसी ने नहीं किया मुझसे, और ये सवाल इतने गहरे और पैने हैं, अगर इसको आप देखें बिना मदद किए नहीं चली आएंगी। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, पूर्व पुलिस महानिदेशक हूँ, लेकिन कोई कहते मेट्रो से आप चले जाइए नोएडा से चांदनी चौक, शायद मुझे 5 बार पूछना पड़ेगा, 5 बार पूछना पड़ेगा मुझे, 10 बार पूछना पड़ेगा। आसानी से अपनी मेट्रो से हम नहीं पहुंच पाएंगे, और ये बात मेरी अकेले की नहीं, हम सब की है। और ये बेखौफ होकर के सिंध से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से यहाँ, उन्होंने वो चयन किया, ये बांग्लादेश नहीं गई, बांग्लादेश जा सकती थी, दुबई जाने के खर्चे बच जाते, सीधे पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से घुसपैठ, लेकिन नहीं गई, क्योंकि कदाचित वहां पे जो आवागमन है वो उतना आसान नहीं होगा। नेपाल की 1770 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पूरी तरीके से अनफेंस्ड और अनगार्डेड है, और जो व्यवस्थित जो आपके रेल मार्ग हैं और सड़क मार्ग हैं, उसके अलावा जंगल और नदी के रास्ते खुले हुए हैं, जहां सशस्त्र सीमा बल की नियुक्ति तो जरूर है, लेकिन कदाचित जिन संसाधनों के साथ वो है पूरी चेकिंग नहीं हो पा रही। अब आपने कहा जो हमारी चूक हुई है कि इनको आने दिया, इनका प्रवेश हुआ, लेकिन अब आपको कुछ सिस्टम ऐसा डिवाइस करना होगा कि बिना किसी पहचान पत्र के, सीसीटीवी कवरेज के, कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर पाए, चाहे व्यवस्थित राजमार्ग हो, चाहे व्यवस्थित आपके चुंगी और आवागमन के जो मार्ग हैं उनके ऊपर। लेकिन जिस तरीके से सीमा 5-4 बच्चों को लेकर के आई और खुले आम आकर के वेस्टर्न यूपी में रबूपुरा में जाकर के रहने लगी, एनसीआर में, ग्रेटर नोएडा में, ये अत्यधिक चिंता का विषय है। अगर 5 पाकिस्तानी नागरिक इस तरीके से आसानी से आ सकते हैं तो 50 आ सकते हैं, 500 आ सकते हैं, 50,000 आ सकते हैं, 500,000 आ सकते हैं। जैसे एक चीज जो बहुत सभी ने नोटिस भी की है, और हमारी टीम भी जब सीमा हैदर से बात भी की तो हमने देखा वो पांचवी पास हैं, जो कि उन्होंने जिक्र भी किया है, लेकिन वो पाकिस्तान से हैं, वो पाकिस्तान जहां पर महिलाओं को लेकर कई तरह के प्रतिबंध भी हैं, उस जगह से इतनी बोल्डनेस के साथ, बोल्ड ही बोलूंगी, जिस हिसाब से वो अपना घर बेच के बच्चों को लेके पबजी खेल के वहां से हिंदुस्तान पहुंची है, उनकी जब हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज वो हिंदी बहुत साफ बोल रही है, उर्दू के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, सिंधी बोल रही है, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल रही है, तो इस पर आप क्या देखते हैं? मैं साफ देखता हूं कि यह तो ट्रेनिंग दी गई है उनको, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि पांचवा पास तो थोड़ी लीजिए, ग्रेजुएट लेवल के लोग भी ऐसी अंग्रेजी, हिंदी, सिंधी नहीं बोल सकते हैं जैसा कि सीमा जी बोल रही है। जाहिर है कि उनके ऊपर काम किया गया है, उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग हुई है, और ट्रेनिंग और ग्रूमिंग के बाद
सीमा जी आज यद्यपि पार्टी पास हैं, लेकिन किसी भी नोएडा के प्रतिष्ठित चैनल के एंकर से वो 19 नहीं पढ़ेंगी, 21 ही पढ़ेंगी। उनका आत्मविश्वास, भाव भंगिमा, प्रस्तुतिकरण, शब्दों का चयन उच्च कोटि का है। जाहिर है उनको भली भांति प्रशिक्षित किया गया है जिससे कि वो अपनी यात्रा में गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें कोई असुविधा ना हो। नैन्सी जी, ये कुछ सोची समझी, ये इत्तेफाकन नहीं हुआ है, सोची समझी रणनीति और रोड मैप के तहत उनकी ट्रेनिंग, उनकी गाइडेंस और रिमोट किसी के हाथ में है। और किसी के हाथ में क्यों, क्या बोलना है वो आप बोल रही, नहीं बोलना है बड़ी खूबसूरती के साथ आप उस पर आवरण डाल देती हैं। और आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि आपकी जो आईटी की ट्रेनिंग है, जो पैसा खर्च करना है उसमें यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करना है, नगद का इस्तेमाल करना है जिससे कि मूवमेंट आपका चेक ना हो। ये तमाम चीजें वो करता है वीओआईपी का, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का, और जो इस तरीके के करता है वो वही शातिर दिमाग का व्यक्ति करता है जिसको अपना जुर्म छुपाना हो। दो मोबाइल फोन का तोड़ना, दो चार सिम का तोड़ देना, ये स्पष्ट दिखाता है कि आप IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को छुपाना चाहती थी, इसीलिए मोबाइल तोड़ा, वरना हम लोग मोबाइल नहीं तोड़ते, महंगे होते हैं। अगर हम यूज नहीं करते हैं, कि उन्होंने अपनी चैट भी डिलीट की है जी, तो ये सब ये दिखाता है कि आपने एविडेंस और साक्ष्य को मिटाने की जो पूरी कोशिश हो सकती थी वो कर दी। लेकिन ISI ने आपको ये नहीं बताया, या जो भी आपके आका थे उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि फोन तोड़ने से आपका हार्डवेयर तो टूट जाएगा, सॉफ्टवेयर और बाकी चीजें सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त किए जा सकते हैं और कुकीज के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ISI का इन्वॉल्वमेंट है सीमा हैदर केस में, पूरी तरीके से, क्योंकि इतना सहज नहीं होता है किसी एक पांचवीं पास महिला को, जो कि एक ऐसी उपयुक्तता हो, उसकी ग्रूमिंग करके उसको बेसिक टेक्निक हर चीज के और प्रेजेंटेशन स्किल्स, हिंदी के वो शब्द जो कि अधिकांश, नोएडा तो छोड़ दीजिए, जो प्रयागराज में या काशी में लिए जाते हैं उनका प्रयोग करना, और वो सिंध से आ रही हैं, अंग्रेजी बोलना, और वो सब किस लिए, ये इसीलिए कि बिल्कुल घुल मिल जाए हमारे वातावरण में वेस्टर्न यूपी के, और वहाँ के तौर तरीके समझ लें, तुलसी पे अर्घ देना और जिस तरीके का वो भाव भंगिमा बना रही हैं वो पूरा एक तरीके से जैसे एक सामान्य मध्यवर्गीय एक बहू या बेटी अपने को रखती है, उस तरीके से उसका पहनावा ओढ़ावा पूजा पाठ और आवड़ा हो गया है। और वाहरे हमारी जनता वो ऐसा सम्मोहित हो गई है कि सीमा भाभी जान, सीमा भाभी ये मेरी बेटी बहू है, लोग नजर उतार रहे हैं, लोग उनको क्या कहते हैं उसको, शगुन दे रहे हैं। ऐसा तो अंधेर मैंने कहा, एक इशरत जहां आई थी वो बिहार की बेटी बन गई थी, मालूम था कि लश्कर तैयबा की आतंकवादी है, उसको एक मुख्यमंत्री कहते बिहार की बेटी है, और जो बिहार की बेटियां उनके तो आपने जो जो आपने उनके साथ अनाचार दुराचार व्याभिचार किया उसके बारे में सोच लेते, एक आतंकी को गले लगाने की क्या मजबूरी है। हम लोग इसमें चूकते रहे, बड़े जल्दी भाव आवेश पे आकर के हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जब तक कि पुलिस जांच उनको बेदाग साबित न कर दे। सर कहीं बहुत, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में सीमा हैदर और सचिन को जमानत दे दी गई? जी, जमानत दे दी गई क्योंकि उसकी मजबूरी थी, सचिन के ऊपर तो कोई केस है नहीं, वो तो। लेकिन सर उन्होंने भी तो छुपाया था, तो आपको नहीं लगता कि सीमा हैदर के साथ साथ सचिन के परिवार और सचिन पर भी एक्शन होना चाहिए? सचिन पे एक्शन होना चाहिए क्योंकि सचिन 120B IPC के जिम्मेदार हैं, और सीमा जी इंडियन फॉरेनर्स एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत तो वो तो अपराधी ही है, अनधिकृत तरीके से बिना अभिलेखों के, बिना वांछित कार्रवाई के वो उन्होंने भारत में इलीगली प्रवेश किया, वो तो मुलजिम ही है, और सचिन भी 120B IPC में बराबर का हिस्सेदार जराय होने वो भी जिम्मेदार है। अब जमानत पे आपने बात पूछा, हमारे न्यायपालिका बहुत उदार है, कदाचित हो सकता है कि इसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेके कोई बात हो, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर आउट करने वाली बात होती है, लेकिन जिस तरीके से जमानत हुई यही कहा जाएगा कि चार बच्चों के, उनको तो जेल भेजा नहीं सकता है, तो चार बच्चे बाहर रहे, माँ जेल में रहे, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि हमारा कानून बहुत अमानवीय है। तो मैं इस बारे में न्यायालय की बिल्कुल ही, मैं उनके उनके फैसले को, उनके निर्णय को मैं उसका सम्मान करूंगा। पुलिस के ऊपर निगरानी है, सीमा के ऊपर ये प्रतिबंध है कि वो अपना पता नहीं बदलेंगी, जगह नहीं बदलेंगी, और समय समय पर थाने पर जाकर के हाजिरी देंगी, और निगरानी तो हो ही रही है, तो इसलिए मद्देनजर मैं समझता हूँ जब तक पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो, सीमा
और सचिन को पुलिस के साथ सहयोग करना होगा। लेकिन आपने जो बिंदु उठाया है कि सचिन और उनके परिवार का क्या रोल है, प्रथम दृष्टया सचिन का रोल है, क्योंकि इतने किंकर्तव्य मूड आप कैसे हो गए कि आप एक पाकिस्तानी नागरिक और चार अन्य उनके बच्चों को लेकर के इलीगली अनाधिकृत तरीके से आपने ला करके उनको घर में रखा, शरण दी। आप जो भी अपराध सीमा ने किया है उसमें बराबर के हिस्सेदार होने के साथ साथ षड्यंत्र में आप शामिल है, इसलिए 120 भी आईपीसी के अंतर्गत आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जैसे कि हम लोग कई खबरें भी बनाते हैं क्राइम से जुड़ी, साक्ष्य मिटाए गए, यहाँ पर अगर हम सीमा हैदर की बात करें तो इनके पास मोबाइल मिले, कुछ मोबाइल इनके पास टूटे हुए में मिले, इन्होंने सिम भी तोड़ दिया, चैट डिलीट कर दी, तो उस लिहाज से सीमा हैदर पर क्या उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए फिर से? मैं समझता हूँ कि पूछताछ का इंतजार हो रहा है, पूछताछ की ही जाएगी, और मैं तो चाहूंगा कि लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो, नार्को एनालिसिस भी हो, गहराई से न केवल यूपी पुलिस पूछे बल्कि यूपी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब इनसे पूछताछ करें, और तब जो छंग करके तथ्य सामने आए उसके आधार पर इनको दोबारा अरेस्ट करके जो बाकी कानूनी प्रक्रिया है। लोगों ने कहा इनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया, उनका अभी तो बिना प्रसाद के थोड़ी जा सकते हैं। क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया अभी तक, इतने जल्दी थोड़ी किया जाएगा, पहले तो जब आप आई हैं यहाँ पे पहले उसकी तह तक जाना होगा कि आपने यहाँ पर आई क्यों है, और जब इलीगली आप आई हैं पहले तो उसका प्रसाद मिले आपको, और बाकी जो आपने अपकृत किए हैं उसके बारे में अनावरण हो जाए, पूछताछ तो हो जाए। अभी तो हमने सिर्फ श्री गणेश किया है, शुरुआत की है नैन्सी जी, पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में भी कम से कम 90 दिन लगते हैं ऐसे गंभीर प्रकरणों में, इनके लिंक्स को छांटने में, इनके चीजों का सत्यापन करने में, पूरी कड़ी से कड़ी जब जुड़ेगी कि ये कहते हैं कि एक बार मार्च में सचिन और सीमा जी नेपाल में मिले थे, कहां रुके थे, अभी कहां रुके थे, पैसे कहां खर्च किए, यूपीआई का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, आपने सिम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये एक एक चीज में इनसे पूछा जाता है। फिर ये भी हो सकता है कि ये अगर सहयोग करे इंटेलिजेंस एजेंसी का तो भारत सरकार एक उदार दृष्टिकोण अपना सकती है, उसमें क्या हो सकती है कि आपको सेंटेंस तो दे देगी कि आप दोषी हैं, लेकिन एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पाकिस्तान प्रत्यावर्तन कर दिया जाए, ये भी एक संभावना है। सर, हमारी टीम ने, एबीपी लाइव की टीम ने सीमा हैदर से भी जाकर वहां पर बात की थी, तो उस वक्त सीमा हैदर ने बताया कि नेपाल आने के लिए उसने सचिन को पैसे उसने दिए थे, जब हमारे बैकग्राउंड भी उनका चेक करवाया तो वो कोई बहुत धनी घराने से नहीं है, तो सवाल ये भी है कि इतना पैसा कहाँ से आया और वहां से यहाँ तक आ गई, घर बेच दिया एक छोटी सी जगह में, यहाँ एक चम्मच भी बेचो छोटी सी जगह में तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि मतलब कौन पैसा दे रहा है, कोई फंडिंग है पीछे यहाँ भेजने की? हम बहुत सारी चीजों पर बात कर रहे हैं तो हम पैसे के मुद्दे पर भी बात करेंगे। नैन्सी जी, हमारे सचिन साहब जो है ये पल्लेदार है, 10,000 महीने की इनकी आमदनी है, सीमा जी ने इनको पैसा दिया नेपाल आने का, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, सही जवाब दिया। कैसे भेजा, हवाला से भेजा या बैंक ट्रांसफर किया आपने, और अगर बैंक ट्रांसफर किया तो क्या प्रक्रिया थी, और अगर बैंक ट्रांसफर किया तो पुलिस की जिम्मेदारी कि पाकिस्तान से कोई फंडिंग आती है, मैं आपके शो पे आया हूँ, मैं पाकिस्तान के चैनल्स पे भी जाता हूँ, पाकिस्तान वालों ने बड़ी खूबसूरती से पूछा कि सर अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए कि हमको आपको ऑनरेरियम देना है, उनका श्रीमान जी अपना ऑनरेरियम अपने पास रखिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आपके यहाँ से 2 रुपए भी मेरे खाते में आ गए, 1 रुपए भी आ गया, मैं जवाब देने के लिए पोजीशन में नहीं रहूंगा कि पाकिस्तान से आपने पैसा लिया कैसे। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर सचिन ने पैसा लिया है तो कैसे लिया, क्यों लिया, और इसके जो दूरगामी परिणाम सचिन और उनके परिवार के ऊपर होंगे वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप पाकिस्तान से पैसे नहीं ले सकते इस तरीके से। जी, एक ना एक केस कुछ वक्त पहले एक और केस आया था, वो भी ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ था, वहां पे लूडो के जरिए 2 लोग मिलते हैं, लड़की पाकिस्तान की होती है और लड़का यही हिंदुस्तान का, यूपी के प्रयागराज जिले का था, उनका नाम था मुलायम सिंह यादव, वो महिला भी ऐसी इल्लीगल तरीके से आई थी। हम मैं इस केस का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सीमा हैदर केस और मुलायम सिंह के इस केस में एक बहुत कॉमन सी समानताएं हैं 2-3। पहले तो ये ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ही मिले, दूसरा इनकी पहली मुलाकात भी नेपाल में हुई है, और तीसरा वो भी इल्लीगल तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। तो इस चीज को मैं, मेरा सवाल पूछने का मतलब ये था कि क्या पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी भारत की तरफ अपनी दुश्मनी दिखाने का स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है हनी ट्रैप के जरिए, क्योंकि एक चीज कॉमन फैक्टर इस केस में ये भी है कि यहाँ पर भी लड़के जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना आर्थिक रूप से उतने मजबूत थे।
आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी स्लीपर सेल तैयार करना और हनी ट्रैप दोना है। आपने देखा होगा पिछले 12 महीने में 6 महत्वपूर्ण व्यक्ति हनी ट्रैप किए जा चुके हैं, जिनका संबंध या तो सेना से है या डीआरडीओ या इस तरीके के बहुत ही संवेदनशील संगठनों से है। ये एक भयावह स्थिति है और वर्तमान में कमजोर शिक्षा और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के लड़कों को हनी ट्रैप कर देना, क्यों नैन्सी जी इनको ट्रैप ले जाते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विरोध प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। ये इस तरीके की महिलाओं के सामने इनमें हीनत्व की भावना रहती है, चाहे व्यक्तित्व को लेकर के हो या माली हालात को लेकर के हो, क्योंकि जाहिर है जो मालकिन की तरह पैसा दे करके लड़के को बुलाएगी नेपाल तो उसका कद और उसका स्टेचर लड़के से ऊपर होगा, फिर वो अपने हिसाब से अगर रहेगी हिंदुस्तान में अपने हिसाब से रहेगी। हो सकता है कि आवरण पति पत्नी का हो, लेकिन आवरण कुछ भी हो, यथार्थ और वास्तविकता यही है कि माली हालात से, बौद्धिक दृष्टिकोण से, हर तरीके से महिला पुरुष से सुपीरियर थी हो जाएगी, और इसीलिए उसको अपने हिसाब से, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ये अपने शौहर को या अपने बॉयफ्रेंड को नचाएंगे, और यही गेम प्लान होता है कि तुम एक तरीके से इनको बंधक बना के रखो, इनको इतना ब्लैकमेल कर दो, इतना डिमोरलाइज कर दो कि ये कुछ भी न कर पाए, और अपने हिसाब से हमको जो सूचना चाहिए, हमको अपने हिसाब से जो काम करना है विध्वंसात्मक या भारत विरोधी, उसमें ये चू चपड़ ना करें, विरोध ना करें। सर, हमारी इस बातचीत में एक बहुत बेहतरीन पॉइंट शुरुआत में ही निकल के आया, वो ये कि सीमा हैदर ने सारी चीजें तो बताई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में है। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि इस केस में अब आगे क्या होना चाहिए, और जिन अफसरों की जो बॉर्डर पे तैनात थे, अधिकारी पुलिस वाले जो जो इन्वॉल्व है, क्या उन पर भी एक्शन लेना चाहिए इस केस में? निसंदेह लेना चाहिए था, अगर चेक पोस्ट से आए थे तो किस प्रकार की उनकी चेकिंग या सर्वेलेंस थी, किन परिस्थितियों में उनके द्वारा सीमा और उनके बच्चों का सही सत्यापन नहीं हुआ। इस पूरे प्रकरण में नैन्सी जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये के आया कि बार बार नेपाल और भारत की सीमा को लेकर के और उससे लेकर के जिस तरीके से अतिक्रमण और नाजायज पाक नागरिक प्रवेश कर रहे हैं, वो गंभीर और चिंता का विषय होने के साथ साथ इसके ऊपर कार्रवाई की भी जरूरत है। अब आगे क्या होगा, आगे पहले तो अनुसंधान होगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगा, पाकिस्तान और ISI के रोल के बारे में जानकारी होगी, और इनके मन में क्या षड्यंत्र पक रहा था उसके सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, तदुपरांत गुण दोष के आधार पर जिस सबूत मिलते हैं वैसी कार्रवाई आगे की जाएगी। जी सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एबीपी लाइव से बात करने के लिए। तो सुना आपने, हमने विक्रम सिंह जी से बात की, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए। देश में जो ये लव स्टोरी के एंगल टहल रहा है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरीके से भारत में प्रवेश किया है, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि सीमा हैदर की जगह कोई आतंकी भी आ सकता था, कोई स्लीपर सेल का मेंबर भी पाकिस्तान से भारत में दाखिल हो सकता था, तो कहां कहां हिंदुस्तान से गलती हो गई और कहां पाकिस्तान की गलती है जिस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो और एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि सीमा हैदर का भाई जो है वो पाकिस्तानी सेना में है, जिसका जिक्र अभी तक सीमा हैदर ने एक बार भी नहीं किया। अब देखना होगा सीमा हैदर और सचिन के केस में आगे क्या होता है। फिलहाल इंटरव्यू यहीं पे खत्म होता है। अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।